पे हमारे एक प्यारे से दोस्त ईट एंड डिस्कवर के मालिक हैं, जो हैं जो आबिद भाई के हैं, जो कि अभी इस टाइम वीडियो बना रहे हैं, इससे बहुत मेहनत किया है। सारी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब सोशल मीडिया को देनी पड़ती है, फिर जाके वो मामला भी हमें कामयाब करें। और लीडरशिप की वीडियो आप बना रहे हैं, ये बहुत वायरल हो, आपकी लोग आपकी बहुत सारी वीडियो को देखें, आपको सराहें, और मेहनत करने का सिला अल्लाह ताला हमेशा आपको देता है भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम अमान और उम्मीद करता हूं आप दोस्त खैरियत से होंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक ठाक हूं, खैरियत से हूं। और दोस्तों, अगर अभी तक आप दोस्तों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप मेरी वीडियो को भी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम एक बार फिर आज गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के अंदर मौजूद है। मेरी जो पिछली वीडियो थी शिप के हवाले से थी, और अगर अभी तक आपने मेरी वो वाली पिछली वीडियो देखी नहीं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको भी चल कर देख सकते हैं। तो एक बार फिर हम आज गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के अंदर आए हैं, जहाँ पे शिप वगैरह आके लगते हैं और कटते हैं। तो क्रूज शिप जो पिछले दिनों आया हुआ था, और इस टाइम शिप ब्रेकिंग यार्ड गडानी के अंदर मौजूद है, और ये बिल आखिर यहाँ कटने के लिए वो पीच हो चुका है प्लाट के अंदर। तो हमने कोशिश की कि आज आप दोस्तों को इसको नज़दीक से आके दिखाएं। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे शिप जो हैं वो कट रहे हैं इस शिप के साथ, और आपको स्क्रैप भी थोड़ा सा दिखाया जाएगा इसी के हवाले से। तो चल के बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए इस शिप को देखते हैं नज़दीक से। तो जी दोस्तों, ये है शिप ब्रेकिंग यार्ड गडानी, और यहाँ देखें ये शिप है जो कट रहा है इस टाइम, और ये सी के बिल्कुल किनारे पे ब्रेकिंग यार्ड गडानी के मनाजर देखें। यहाँ बहुत ही बड़े बड़े शिप जो हैं वो आके यहाँ पे कटते हैं, और मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक करके दिखाऊंगा यहाँ का सिस्टम, ये देखें। और ये भी एक शिप का जो है वो ऐसा है जो कट के बाहर आ चुका है, और इस तरफ देखें मशीनरी वगैरह लगी हुई है शिप को काटने में। तो ये देखें, एक ऑयल टैंकर शिप नमाज था जो यहाँ पे आया और इसको काटा गया। तो इसी तरह से ये जो क्रूज़ शिप है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे सामने, तो ये भी ऐसे ही कटेगा। जो मेरी पिछली वीडियो थी वो इसी शिप के हवाले से थी, और अगर अभी तक आप दोस्तों ने मेरी इस वीडियो को पिछली वीडियो को देखा नहीं तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे शिप जो हैं वो आके पीच होते हैं और कटते हैं फिर, और यूँ ऐसा स्क्रैप बनता है। ये देखें, ये सब जो स्क्रैप है इस टाइम ये शिप का ही स्क्रैप है, कट रहा है और फिर साइडों पे आ रहा है, ये देखें। तो ये काफ़ी सारी लेबर पीछे आप देखें, मैं व्यू करता हूँ, ये काफ़ी सारी लेबर लगी हुई है ये शिप को काटने में। शिप का इंजन है जो इस टाइम उतारा जा रहा है। और तो जी दोस्तों, ये वो शिप है जो यहाँ पे शिप ब्रेकिंग यार्ड के अंदर आया है, क्रूज शिप है, एंट्रीज एक्सपेंसिव क्रूज शिप नाम है इसका, और बिलाखिर ये गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के अंदर प्लॉट के अंदर ये भी पीच हो चुका है, और इसके साथ दूसरे शिप भी देखें कट रहे हैं। और काफ़ी सारी बातें हो रही थी आवाम में और सोशल मीडिया पे कि ये शिप आएगा और कराची आएगा और इसको जो है वो लोगों का पिकनिक पॉइंट आ जाएगा और लोगों को इसके अंदर सैर और तफरी के लिए छोड़ा जाएगा, लोग इसको अंदर से देख सकेंगे। तो सब जो ख़बरें जो हैं वो बिलाखर झूठी निकली। तो ये गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के अंदर आ चुका है, और ये इसकी देखें आप, जो दो जंजीरें हैं ये लगी जो हुई हैं, जो दो जंजीरें ये इसको खींच के आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइड पे ला रही हैं, और ये कटेगा, कुछ दिन लग जाएंगे लेकिन कटेगा ये ज़रूर। तो
ये मैं बिल्कुल इसके नज़दीक साइड पे खड़ा हूँ और ऊपर जाने का बिल्कुल इसका कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है इसके ऊपर जाने का, वरना मैं आप दोस्तों से वो भी शेयर करता, अंदर जा के अंदर के माहौल भी दिखाता। तो बहुत ही बड़ा क्रूज़ है ये, तो मैं इस टाइम इसके बिल्कुल मौजूद हूँ पास, और मैं आपको और भी यहाँ पे थोड़े से मनाजर दिखाता हूँ शिप ब्रेकिंग यार्ड गडानी के अंदर के। ये देखें आप, और ये शिप जो है वो कट भी रहा है, ये देखें, और इस तरफ देखें इसका इंजन है शिप का, ये उतार रहे हैं, और मशीनरी वगैरह बिल्कुल लगी हुई है इसको शिप वगैरह को काटने में। और ये देखें, ये पूरा पूरा शिप का हिस्सा है जो काट के इसको स्क्रैप किया जा रहा है, साइड पे ले आए हैं खींच के। इस तरफ काफ़ी सारी लेबर लगी हुई है, काट रही है, ये देखें, ये काफ़ी सारा स्क्रैप है जो दूसरे शिपों से कट के साइड पे लगा दिया गया है। थोड़ा सा मैं और भी चल के आपको कुछ और मनाजर दिखाता हूँ। तीस हज़ार लीटर जो है ये पर डे का ये ऑन होने में खा जाता है, क्योंकि इसके जो इंजन हैं बहुत बड़े हैं। डीज़ल पूरा करना वो कोई एक आध बंदे की बस की बात नहीं है, अगर गवर्नमेंट अपने हवाले से अपने कंस्टडी में ले ले तो ये कर सकती है इसको, और वैसे एक ठेकेदार या एक कटने वाला इसको पूरा नहीं कर सकता। तो हवा काफ़ी सी है, ये देखें बैक साइड पे काफ़ी सारा जो है वो स्क्रैप पड़ा हुआ है इस तरफ, और कट रहा है, कुछ कट गया है, ये देखें। अच्छा, मैं आप दोस्तों से ना इस शिप के एक इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। इसकी काफ़ी सारी खबरें जो हैं वो मीडिया पे भी गूंज रही थी, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे सोशल मीडिया पे घूम रही थी कि इसको जो है वो कराची लाया जाएगा, कराची पोर्ट ग्रांड पे लाया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई कहानी भी नहीं है। हर चीज़ को यूज़ करने से पहले उसको देखा जाता है, चेक किया जाता है, तो इसी हिसाब से ये जो शिप है इसको भी अगर दोबारा यूज़ करते तो इसको सबसे पहले यहाँ नहीं लाया जाता, इसको किसी भी जो डॉक है डॉक के अंदर लेके जाया जाता है, और उस शिप को फिर नीचे इसका जो बॉटम कह लें आप, तो बॉटम बिल्कुल सी के अंदर चल चल के ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर सुराख होना शुरू हो जाते हैं, तो दोबारा इसको यूज़ करने के लिए उस बॉटम को दोबारा रिपेयर किया जाता है। शिप रिपेयर होती है, एक फ्लोटिंग डॉक होती है, उनके अंदर इसको जो है लगाया जाता है, तो इसका जो बॉटम है वो पूरा चेकअप होता है, दोबारा कलर होता है, दोबारा वेल्डिंग होती है, तो क्यूसी होती है, क्यूसी क्लियर करके उसको दोबारा सी के अंदर जाने की इजाज़त होती है। तो ये बिल्कुल ऐसी कहानी नहीं है, इसको जो है गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के अंदर लाया जा चुका है, और ये कुछ ही दिनों में इसकी जो है वो कटिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बैक कैमरे से इसकी डिटेल बताता हूँ। अगर ये ना कटता तो ये ओपन सी में ही होता, तो अब यहाँ से आप दोस्त अंदाज़ा लगाएं कि इसके ये जो जंजीर आपको नज़र आ रहे हैं, ये जंजीर इसके लग चुके हैं, तो ये जंजीर इसको आराम आराम से जैसे जैसे पानी का बहाव ऊपर आता जाएगा, पानी चढ़ता जाएगा, तो
ऐसे ही ये शिप को आस्ता आस्ता खींच के किनारे पे ले आएंगे। 3 से 4 दिन इसके लग जाएंगे इसको आगे लाने में, और इंशाल्लाह फिर ये इसी हफ्ते के एंड पे ये आराम आराम से कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी मुश्किलात हैं, काफ़ी सारे मसले हैं इसको दोबारा आवाम के लिए और सी के अंदर चलाने के लिए। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये थोड़ा सा और नज़दीक आएगा, इसकी कटिंग शुरू होगी, तो हम जो है आपको इसकी अंदर की भी सारी डिटेल शेयर करेंगे, आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाते जाएंगे। तो ये इस टाइम जो है कटिंग होने के लिए लग चुका है। इसी के साथ आज के व्लॉग का करते हैं एहतमाम, और अगर आप दोस्तों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा से अच्छी जगह का एक्सप्लोर करेंगे और आप दोस्तों को दिखाएँगे। तो नईम आवान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।